अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका जो गुरु और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल अमेजिंग की चंडी। दोस्तों आज की वीडियो का टॉपिक ये होने वाला है कि मैं अपने कबूतरों को निलान जा रहा था। एक भाई जो मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट करे थे कि भाई कबूतर को निलाने का कोई वीडियो बनाओ, कबूतर के निलाने का कोई वीडियो बनाओ, उसके ऊपर आज मैं एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ। और आज आप मौसम देखिए कैसा है। दोस्तों काफ़ी जगह से बारिश आ रही थी इसलिए कबूतर को निलाना हो नहीं रहा था, और आज अच्छी धूप निकली दोस्तों, तो मैं सोचा अपने कबूतर को निलाने अपने कबूतर को निलाने जा रहा था। अभी देखिए दोस्तों मैं कैसे निलाता हूँ कबूतरों को। दोस्तों ये गंज है पानी का कटोरा, इतने बड़े कटोरे में निलाता हूँ कबूतरों को, और मेरे कबूतर नहाने के लिए देखिए कैसे मारते दोस्तों। दोस्तों देखिए अभी चालू हो जाएगा नहाना, जैसे ही दोस्तों मैं डाला कैसे नहाने के लिए मर रहे। और क्यों काफ़ी दिन से दोस्तों बारिश आ रही थी इसलिए कबूतरों को निलाना हो नहीं रहा था। और अभी आप देखिए दोस्तों ये सारे कबूतर कैसे नहाने के लिए कर रहे। दोस्तों कबूतर नहा के ऊपर बैठे, देखिए दोस्तों हम कबूतर को ऐसे निलाते। देखिए जो मेरे घर के पट्टे हैं वो भी नहाने के लिए कैसे कर रहे। दोस्तों बारिश के मौसम में दोस्तों कबूतरों को निलाना होता नहीं, क्योंकि बारिश की वजह से दोस्तों पूरी पेटी भी गिल्ली रहती है। अगर दोस्तों कबूतरों को निला दिए तो दोस्तों बारिश की वजह से कबूतरों को निलाना होता नहीं है, क्योंकि बारिश काफ़ी आती है दोस्तों, और कबूतरों को अगर निला दिए तो धूप निकलती नहीं है, तो इसके कारण दोस्तों कबूतर सूखे गिल्ले रहते हैं और पेटी भी दोस्तों गिल्ली रहती है इनकी वजह से, और पेटी में सड़न पैदा होती है, बदबू पैदा होती है, इसलिए दोस्तों मैं कबूतर को ज़्यादा निलाता नहीं हूँ। और अभी धूप अच्छी निकली थी इसलिए मैंने अपने कबूतर को निलाने के सोचा। और देखिए आप कैसे नहाने के लिए कर रहे, छोटा छोटा पट्टा भी दोस्तों देखिए आप कैसे नहाने कर रहे। और दोस्तों जिनका नहाना हो गया दोस्तों देखिए कितने खुश है अभी नहा के। और दोस्तों कुछ कबूतर इधर बैठे जिनको अभी हम नीचे करेंगे, और कुछ कबूतर ऊपर बैठे ये देखिए आप। अभी दोस्तों इसके अंदर हम पानी भरेंगे थोड़ा, जिससे इनको और ज़्यादा मजा आएगा। दोस्तों आप इसके अंदर फिटकरी भी डाल सकते हैं और पोटास पाउडर भी आता है दोस्तों वो भी डाल सकते हैं, जिससे दोस्तों इनके अंदर के कीड़े मरेंगे। दोस्तों जब ये पानी एकदम सब कबूतर का नहा के हो जाएगा तो आपको पानी बताऊंगा पानी कितना गंदा हुआ दोस्तों। और कुछ कबूतर दोस्तों मेरे इधर नहाने कर रहे हैं, मगर मैं दोस्तों कबूतर को इधर नहलाता नहीं हूँ, ये मेरा पिलाने वाला पानी है दोस्तों जिसको मैं ढक के रखता हूँ, मगर कुछ कबूतर इधर आ रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जगह कुछ भी नहीं है। देखिए आप ये देखिए दोस्तों, मुझे काफ़ी सारे कमेंट आए थे दोस्तों कि इसके ऊपर वीडियो बनाओ, तो दोस्तों आप देखिए इस तरीके से दोस्तों मैं कबूतर निलाता हूँ। और दोस्तों सब मौसम देख के, सब समय देख के, और मेरा कौन सा कबूतर बीमार है और कौन सा कबूतर अच्छा है वो सब देख के दोस्तों मैं कबूतर निलाता हूँ। अगर मेरा कोई कबूतर कमज़ोर होगा और मैं उस कबूतर को निला दूंगा ना दोस्तों, तो वो कबूतर और ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगा। जैसे दोस्तों ये कबूतर समझ लीजिए आप कमज़ोर है बीमारी में, जैसे इसको कोई बीमारी हुई है और ये कबूतर कमज़ोर है, ये कबूतर नहा रहे दोस्तों, तो ये कबूतर भी दोस्तों उसको देख के अंदर जाने करेगा नहाने के लिए, और दोस्तों वो भी कबूतर और ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगा ऐसे नहाएगा तो। अगर दोस्तों आपका कबूतर हल्का ठीक हो चुका है बीमारी में से और उसको भी अगर आपने नहला दिए, मतलब उसने नहा लिया पानी में और धूप निकली नहीं दोस्तों, ऐसा गिल्ला गिल्ला रहा, तो कबूतर और ज़्यादा कमज़ोर होगा दोस्तों और आपका कबूतर ठीक नहीं हो पाएगा। अभी आप पानी देखिए दोस्तों, दोस्तों पूरी तरीके से गिल्ली हो चुकी माटी देखिए, मगर दोस्तों कोई बात नहीं, अभी धूप निकलेंगी तो सब सीख जाएंगे कबूतर। देखिए आप पानी का रंग कितना बदल चुका है। अभी इसके अंदर दोस्तों हम पानी बदलते हैं, आप देखना दोस्तों मैं पानी कैसे डालता हूँ। तो दोस्तों आ चुके हैं हम पानी लेने के लिए टंकी की तरफ। देखिए दोस्तों काफ़ी भारी बाल्टी है, देखिए दोस्तों कितना मज़ा आएगा। दोस्तों इनके लिए छोटा स्विमिंग पूल है, और दोस्तों कई बार बारिश में जब बारिश आती है तो कबूतर ऐसे बढ़ जाते हैं क्योंकि उनको बारिश में मज़ा आता है ऐसे नहाने में, मगर दोस्तों उनके सेहत के लिए अच्छा नहीं रहता दोस्तों इतना नहाना ऐसे पानी में। दोस्तों इससे पहले मैंने दोस्तों इसके इस टॉपिक पर वीडियो बनाया था कबूतरों को कैसे नहलाते हैं, और दोस्तों उसमें मैंने आपको एक फिटकरी बताई थी दोस्तों, उससे भी आप नहला सकते हैं। उससे अगर दोस्तों अगर आपके कबूतर को आँख की बीमारी है तो दोस्तों आप उससे नहला सकते हैं, जिससे दोस्तों आपके कबूतर की आँख की बीमारी ठीक हो जाएंगी। तो आप देखिए
पानी का रंग दोस्तों अभी किस तरह का हो चुका है। और दोस्तों इनको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है क्योंकि बहुत दिनों के बाद मैंने कबूतर को हिलाया हूँ। और जो दोस्तों जिस कबूतरी को मैंने गोल करा था, देखिए आप इस कबूतरी भी नहीं है, इसकी भी पूजा भी इसकी सफा हो जाएगी। और ये फैंटिल का मच्छा बढ़ा है, देखिए दोस्तों कितना मज़ा आ रहा है दोस्तों इनको नहाने में, ये जुआ बट्ठा है। और दोस्तों कबूतर इस तरीके से नहा रहे हैं जैसे उनकी पूरी पूंछ और पर पूरे गिल्ले हो चुके हैं। देखिए ये बट्ठा है, ये भी घर का ये काला दोपहर दोस्तों अभी यहाँ पे बैठा है, ये भी काफ़ी कुछ देर में नीचे चल जाएगा। दोस्तों बहुत सोच समझ के दोस्तों कबूतर को हिलाना पड़ता है क्यों कबूतर दोस्तों अगर आपके गिल्ले रह गए और धूप निकली ना दोस्तों, अगर आपने उनको बंद कर दिया पीठी के अंदर तो दोस्तों ये जो आप बीट दिख रही है ना ये पूरी गिल्ली हो जाएंगे दोस्तों। और कबूतर भी आप सोचेंगे कबूतर नहा लिए कबूतर पूरे सफा हो गए, मगर दोस्तों इसका उल्टा हो जाता है, ये जो बीट दोस्तों पानी की वजह से गिल्ली होती है वापिस दोस्तों ये कबूतर के पंख में लग जाती है और कबूतर के पंख खराब हो जाते हैं इससे। मैंने खोला हुआ कबूतर खोल के सबसे पहले दोस्तों अपनी छत साफ करा, छत साफ करने के बाद दोस्तों कबूतर को नहलाया सबसे पहले। अब नहलाने के बाद दोस्तों पानी फेंक दूंगा और कबूतर को ऐसे छोड़ दूंगा मैं कम से कम एक या डेढ़ घंटे के लिए। दोस्तों धूप रहेंगी दोस्तों, अभी दोस्तों देखिए बादल आ चुका है यहाँ पे। दोस्तों अभी अच्छा मौसम था मगर अभी थोड़ी देर में थोड़ा मौसम बिगड़ गया, मगर कोई बात नहीं दोस्तों क्योंकि कबूतर हम बहुत देर तक खुले रखेंगे और दोस्तों धूप आ जाएंगी तो कबूतर दोस्तों एकदम पूरे अच्छे सूख जाएंगे। दोस्तों एक कबूतर हाइट नहाने कर रहा है, क्या बैठा हो चल इस पानी में हिलाता नहीं दोस्तों मैं। और दोस्तों सारे कबूतर नहा के देखिए एकदम अच्छे से बैठे। अब दोस्तों इनको मैंने और कबूतर को कभी भी खाली पेट नहलाना दोस्तों, भूखा दाना देके कभी भी कबूतर को नहलाना मत। पहले दोस्तों आप कबूतर खोलिए, कबूतर खोलने के बाद अपनी छत साफ करिए, छत साफ करने के बाद दोस्तों अपने कबूतर को आप नहलाइए, उसके बाद दोस्तों कबूतर को दाना पानी दीजिए। उससे दोस्तों होगा ये कि कबूतर दोस्तों अच्छे से नहाएंगे और अच्छे से एक जगह बैठेंगे, फिर बाद में जब उनके पंख सूख जाएंगे दोस्तों तो खाना खा के अपने दड़बे में आराम से बंद हो जाएंगे। नहीं तो दोस्तों आप अगर खाना खिला देंगे पहले, अगर दाना उनको दे देंगे और कबूतर दाना खाने के बाद एक जगह बैठ जाएंगे, फिर उनको आप नहलाएंगे, फिर नहलाने के बाद दोस्तों अगर आप सोचेंगे बंद कर देंगे दोस्तों कबूतर बंद नहीं होंगे और ज़्यादा परेशान करेंगे आपको, तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है अभी। और दोस्तों देखिए आप ये मैंने एक सेम पेयर बनाया हुआ अभी, देखिए दोस्तों आप ये पत्थर देखिए आप इसको मैंने गोल करा था दोस्तों। अभी सारे कबूतर दोस्तों देखिए फिर से धूप निकली है, देखिए आप ये देखिए अभी दोस्तों अच्छी धूप निकली है, ये देखिए दोस्तों कैसी धूप छा हो रही है, मगर कोई बात नहीं दोस्तों कबूतर दोस्तों अच्छे से सूख जाएंगे। देखिए दोस्तों आप तो भाई आप इसी तरीके से कबूतर को हिलाना जिससे आपके कबूतर भी अच्छे रहेंगे और कबूतर में किसी प्रकार की बीमारी भी नहीं आएगी, क्योंकि बारिश के मौसम में कबूतर को हिलाना बहुत ज़रूरी रहता। कबूतर के जो पंजे रहते हैं दोस्तों उसमें गिल्ली छत की वजह से दोस्तों कबूतर के पैर में बहुत भीड़ जम जाती है, वो भी दोस्तों निकल जाएंगे, इससे पूरे कबूतर के पैर क्लियर हो जाएंगे, कबूतर की धूम अच्छी हो जाएगी, पूरा कबूतर सफा हो जाएगा। मगर दोस्तों आप ये जब ही करना जब धूप निकली है दोस्तों। और दोस्तों मैं अभी आपको पानी दिखाता हूँ पानी कितना गंदा हुआ है, देखिए आप दोस्तों नहाने के बाद खुशी देखिए आप इनकी, ये देखिए दोस्तों पानी कितना गंदा हुआ है। और दोस्तों अभी भी कबूतर आए रहे नहाने के लिए, ये देखिए मेरा एक कबूतर है पुराना, ये काफ़ी पुराना कबूतर है दोस्तों मेरे छत का, सबसे पहला कबूतर भी बोल सकते इसको। और दोस्तों जो कबूतर के पंख पहले सूख चुके हैं वो देखिए अभी ऊपर बैठे हैं यहाँ पे। दोस्तों आज का यही सीन है, आज मैंने अपने कबूतर को नहलाया हूँ, तो दोस्तों आप भी इसी तरीके से नहलाइए कबूतर को। और दोस्तों जो कबूतर मैंने पकड़ा था वो कबूतर दोस्तों अलग से अलग खड़ा है अभी क्योंकि अभी नहा नहीं रहा हूँ। ये देखिए दोस्तों ये कबूतर है, देखिए आप किस तरह का सीन है दोस्तों यहाँ पे। तो दोस्तों आप भी अपने कबूतर को इसी तरीके से नहलाइए, देखिए आप सारे कबूतर नहा के अच्छे से बैठे हैं और अभी मैंने किसी प्रकार का दाना भी नहीं दिया इनको।
तो दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कबूतर से रिलेटेड आपको कोई परेशानी हुई तो मुझे कमेंट करें। दोस्तों अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, आप चाहे तो मुझे फॉलो कर सकते हैं और बात भी कर सकते हैं। दोस्तों थैंक यू।